नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके लिए आज का भाव लेके आ गया हूँ। आज हम लोग फिर से जानने वाले हैं भारत के प्रमुख सरसों मंडियां का भाव। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार से सबसे पहले ताज़ा सरसों का अपडेट जानने के लिए। सरसों का रेट रहा आज राजस्थान की श्रीगंगानगर अनाज मंडी में 7135 रुपये कुंटल से 7352 रुपये कुंटल तक। बात करें अगर नोहर अनाज मंडी की तो यहां पर दोस्तों आज सबसे पहले जो तारामीरा का भाव रहा है 5200 रुपये कुंटल से 6125 रुपये कुंटल तक भाव रहा है। तो वहीं दोस्तों चना का बात करें तो चना का भाव रहा है 4500 रुपये कुंटल से 4715 रुपये कुंटल तक भाव रहा है दोस्तों। और सरसों का बात करें नोहर मंडी में तो 6600 रुपये कुंटल से 7050 रुपये कुंटल तक रहा है। बात करें दोस्तों अगर सरसों भाव की संगरिया मंडी में तो 7200 रुपये कुंटल से लेकर 7268 रुपये कुंटल तक रहा है। बात कर दें अगर गोलू वाला मंडी की तो गोलू वाला मंडी में सरसों का भाव रहा है 7150 रुपये कुंटल से 7200 रुपये कुंटल तक। बात करें अगर अवसर मंडी की तो सरसों का भाव रहा 7321 रुपये कुंटल। बात करेगा सरसों का भाव सूरतगढ़ मंडी में तो 7387 रुपये कुंटल रहा है। पीलीबंगा मंडी में बात करें सरसों का तो यहाँ पर दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्वार का भाव जान लेते हैं। ग्वार का बोली लगा है 5522 रुपये कुंटल से 5760 रुपये कुंटल तक। बात करेगा दोस्तों सादुल शहर मंडी की तो सादुल शहर मंडी में आज गाय सबसे पहले चना का भाव रहा है 4400 रुपये कुंटल। बात करेगा सरसों का भाव पद्मपुर मंडी की तो 7230 रुपये कुंटल भाव रहा है। बात करें अगर हरियाणा की इलाहाबाद मंडी में तो सरसों का भाव रहा है 6700 रुपये कुंटल से 6900 रुपये कुंटल तक। बात करेगा फतेहाबाद मंडी की तो यहां पर दोस्तों वाज धान का भाव रहा है 1401 का 3000 रुपये कुंटल से 3510 रुपये कुंटल तक। बात करें अगर दोस्तों आदमपुर मंडी की तो सरसों का भाव रहा है 7290 रुपये प्रति क्विंटल। बात करेगा सिरसा मंडी की तो यहाँ पर आज PDPV1 का भाव रहा 2800 रुपये कुंटल से 3300 रुपये कुंटल तक। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं सुबह शाम सबसे पहले आप तक सरसों का भाव पहुंचा सकूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।